किरण आरसी जाटव जी से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री भी रह चुकी है, पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी है, और आज हम कुछ तथ्यों पर मैम से बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम, आप मुंबई में आए, आपको इधर का माहौल कैसा लगा? माहौल तो यहाँ का ठीक है, सब अपना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और जो भी नियम फॉलो करने चाहिए वो कर रहे हैं। दूसरा मैम, आपका जो पार्टी है, आप अपने पार्टी के जो फ्यूचर प्लानिंग बना रहे हो, जो समानता लाने की कोशिश कर रही है, तो किस तरीके से समानता ला पाएंगे आप, जरा बताएंगे? आज जो समाज में ना जो राजनीति है वो इस तरह की राजनीति है, सब अपनी जातियों की, अपने वर्गों की बात करते हैं, देश की एकता की, देश की अखंडता की बात नहीं करते। और अगर हमें अपने देश में एकता और अखंडता लानी है और हमें युवा युवा पीढ़ियों के अंदर राष्ट्रभक्ति जगानी है तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। ये जो जात पात ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं इनको समाप्त करके हमें देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति युवाओं के अंदर जगानी होगी। उसके लिए मैं बताती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, सब लोग कहते हैं, कुछ सामान्य वाले बोलते हैं, कुछ ओबीसी वाले बोलते हैं, सीएसटी वाले भी बोलते हैं कि भाई जातीय व्यवस्था खत्म करो, समाप्त करो जाने व्यवस्था, लेकिन कैसे करी जाएगी ये कोई नहीं बताता। अगर आप जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करोगे तो आप देखोगे कि हर किसी को अपनी जाति से प्रेम है। कोई कह रहा है मैं दी मतलब जाति बनाने के लिए बता रही हूँ आपको, कोई कह रहा है दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट जाटा, दी ग्रेट ठाकुर, दी ग्रेट पंडित, मतलब हर कोई छोटी बड़ी हर एक जाति अपने को ग्रेड बता रही है, तो फिर जातियां कैसे समाप्त हो जाएगी? तो इसका मैंने बताया कि एकमात्र यही उपाय है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहला जो हमारे साथ जो छल कर आया ना, आजादी तो हम लोगों को मिली लेकिन वो आजादी हमें ऐसी नहीं मिली कि हम सब स्वतंत्र हो जाए। हम स्वतंत्र भी हो गए, आजाद भी हो गए, लेकिन हमको एक बेड़ों में बांध दिया गया। कहने का मतलब पहले जो विवाद था मनुष्य मूर्ति में, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विवाद था, हमें वर्ण व्यवस्था से निकाल के हमें संवैधानिक वर्ग व्यवस्था में डाल दिया गया। तो मेरा मानना ये है जो हमारे भारतीय संविधान में ये वर्ग है इनको खत्म कर दिया जाए। एक देश, एक न्याय, एक नागरिकता इस देश में होनी चाहिए, तब इस देश में से ऊंच नीच खत्म होगी, तब इस देश में से ये जो होता है कि भाई हमको आरक्षण मिल रहा है, हमको मतलब उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, उनको ज्यादा मिल रहा, नहीं सब खत्म करिए आप। हाँ, सब खत्म करिए आप सिर्फ देश में सिर्फ काम होना चाहिए, गरीब पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, देश की उन्नति पर होना चाहिए, देश की एकता पर तरक्की पर होना चाहिए, देश की अखंडता पर काम होना चाहिए। लेकिन आज हर एक समाज में ऐसे समाज सेवी सामाजिक संगठन भी दोषी है, सामाजिक संगठन भी दोषी है और राजनीति का पूरी ही दोषी है। राजनीति तो सिर्फ ये देखती है कि हमें कौन सी जाति को कुछ करना है, कौन से वर्ग को हमें कुछ करना है, सिर्फ उनकी बात करेगी, ये नहीं देखेगी कि उसके ये व्यवस्था हमें लागू करने के बाद इस समाज में या इस देश में आपस में कितना जातीय संघर्ष खड़ा होगा, कितना जातीय विवाद खड़ा होगा, या कौन से समाज का इसमें भला होगा, कौन से समाज का नुकसान होगा, ये नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आजकल राजनीति गलत करते हैं। जैसे कि मैम, आप उत्तर प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री रह चुकी है और इस समय प्रदेश के अंदर इतने लूटपाट मर्डर्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कौन दोषी है, इसका सरकार या कुछ और? देखिए इसका मैं दोषी किसको कहा जाए, ये भी तो एक, क्योंकि हम अगर हम डायरेक्ट सरकार को दोषी कह दें वो भी गलत है, पर अगर हम उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को देखें और उनको दोषी कह दें वो भी गलत है। लेकिन राहुल
कर पा रही है कि आप क्राइम को जड़ से खत्म करें। अभी आपने देखा होगा एनकाउंटर हुआ है क्लासरूम में, ठीक है। उससे पहले ये बताइए मुझे, उस विकास दुबे को कौन पाल रहा था, किस राजनीतिक दल का संरक्षण था? एक दिन में कोई इतना बड़ा नहीं होता, एक दिन में इतना बड़ा कोई माफिया नहीं बनता, इतना बड़ा गुंडा नहीं बनता, बदमाश नहीं बनता, किसका संरक्षण था? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ही तो उसको सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता ही तो उसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन इंडिया कब कब खुलती है, जब पुलिस के 8 जवान मतलब सीओ से लेके इंस्पेक्टर और सिपाही और होमगार्ड तक शहीद हो जाते हैं, तब इनकी आंख खुलती है। और तब ये बहुत जल्दी जल्दी एनकाउंटर करते हैं, बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे ही गाजियाबाद का जो कांड हुआ है एनसीआर में, तो गाजियाबाद का जो एनसीआर में, देखिए एनसीआर है गाजियाबाद का एरिया है, और वहां पे विक्रम जोशी पत्रकार, उन्होंने तहरीर की नीति शिकायत भी करी थी थाने में कि भाई मेरी उनके कुछ परिवार का मैटर था जिस लड़की को मतलब छेड़छाड़ करी जा रही थी, परेशान करा जा रहा था। तो उन्होंने शिकायत भी करी थी कि उसने कहा भी कि भाई मेरी जान को खतरा है, अगर पुलिस पहले से अलर्ट हो जाती और पत्रकार की सुनवाई करती तो आज वो पत्रकार इस दुनिया में होता। लेकिन असली कारण जो है ना पुलिस है, पुलिस की वजह से उसकी हत्या हुई है, क्योंकि पुलिस ने अपराधियों को दोषियों को पहले क्यों नहीं अरेस्ट करा, तो इसलिए पुलिस दोषी है उसकी हत्या की, और कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस पत्रकार की हत्या हुई है, तो उसको जो जो गवर्नमेंट ने उसके लिए जो 10 लाख रुपए के दिए हैं और उनकी वाइफ को मिसेस को सरकारी नौकरी देने के लिए कहा गया है, तो क्या इन चीजों से ये घटनाएं जो लूटपाट और ये मर्डर होने के घट जाएंगे या उनका तो बढ़ दिया जाएगा कैसे? देखिए चाहे 10 लाख दे दीजिए, चाहे 1 करोड़ दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन उस बच्ची का पिता वापस नहीं आएगा, उस पत्नी का पति वापस नहीं आएगा, किसी माँ का बेटा वापस नहीं आएगा। और अगर वो जीवित रहता तो वो तो अनमोल था, क्या ये 10 लाख की औकात है इन चीजों से? हाँ ये तो हो सकता है उनके परिवार को थोड़ी राहत मिल जाएगी, आर्थिक राहत मिल जाएगी, लेकिन इंसान की पूर्ति, इंसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, परिवार के सदस्य की भरपाई कोई नहीं कर सकता। जी मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि आप एक माननीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से, तो और जो ये सरकार है ये जो कोविड पे काम कर रही है, तो मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक वैक्सीनेशन आ रही है जा रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? देखिए मैं इसमें ये कहूंगी, ये वर्ल्ड की मतलब विश्व की महामारी है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और हर कोई एक होड़ में लगा हुआ है, हर देश के सबसे पहले वैक्सीन हम बनाए, उस तरह भारत भी लगा हुआ है कि भाई हम भी सबसे पहले वैक्सीन बनाए और ये जो डेली की जो मृत्यु दर है इसको रोका जाए, इस पे नियंत्रण पाया जाए कोरोना वायरस से। तो मैं कहूंगी कि सरकार प्रयास कर रही है और भी अधिक तेजी से प्रयास करना चाहिए सरकार को, क्योंकि इसमें मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि कोई किसी को दोष नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि ये तो महामारी है, कोई सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से पहले किसी को नहीं पता था, अचानक आई है, तो अचानक जब कोई बीमारी आती है तो उस पर इसी तरह कार्य। मैं आपकी पार्टी के लेके विचारधारा क्या चल रही है अभी आपके दिमाग में और आपका आगे के क्या क्या प्लान है? देखिए जो मेरी विचारधारा है काफी लंबे समय से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों के बीच में पहुंचा रही हूँ, तो हर कोई हर एक प्रदेश में मेरी विचारधारा जानने हैं जो मुझे देते हैं। और वैसे मैं अगर बताऊं, दो शब्दों में बताऊं, तो मैं ये कहूंगी कि आज हमारे देश में अधिकार इतने ज्यादा है, हर एक बच्चे बच्चे के पास अधिकार है, हर एक नागरिक के पास अधिकार है। वो अलग बात है कि अपने अधिकार
नागरिकों को कर्तव्य की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूँ मैं इस पार्टी के माध्यम से कर्तव्य का बोध हर एक नागरिक को कराना चाहती हूँ। और मैं जो यहाँ पे मुंबई में जो आई हूँ, मुंबई में भी जो हमारे जो समर्थक खड़े हुए हैं, जैसे हम मैंने अपनी विचारधारा डाली उस माध्यम से जो समर्थक खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप प्रदेशों का दौरा करिए, तो हमारी मीटिंग हो रही है, धीरे-धीरे मीटिंग चल रही है। हाँ, उसी मीटिंग में हम यही बात कर रहे हैं। देखिये हम है ना आने वाले समय में, अभी तो 2020 में तो कुछ नहीं होना, हाँ जैसे 2020 का लास्ट होगा और ये वायरस का प्रकोप कम होगा, तो हम एक बड़ा एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं दिल्ली में जो राष्ट्रीय लेवल का होगा। हाँ, और मुद्दा तो खैर सबको मैं बता ही रही हूँ, तो मुद्दा मैं आपको क्या हूँ। हाँ, तो बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक हैं, तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम सामाजिक है, अगर हम हमें आपकी विचारधारा पसंद है, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ये विचारधारा आगे बढ़े, लेकिन हम सामाजिक है, तो उनके लिए हमने कर्तव्य राष्ट्रीय परिवार एक संगठन बना रखा है। जो भी सामाजिक सोच के लोग हैं वो कर्तव्य राष्ट्रीय परिवार से जुड़ रहे हैं, और जिनके अंदर ये भाव है कि हम अपने देश के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य करें, और हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है जो भटकी हुई पीढ़ी है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता पनप गए हैं जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, लेकिन बस सत्ता की कुर्सी पे जाना चाहते हैं, लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि सत्ता की कुर्सी नफरत की सीढ़ियों पे नहीं मिलती है, जहां राष्ट्र की राष्ट्रभक्ति होगी, जहां एकता अखंडता की बात होगी, सर्व समाज को लेके चलने की बात होगी, सबके हितों को साधा जाएगा, वहां उस रास्ते पे सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग सिर्फ जहर उगलते हैं, और ये जो नौजवान युवा है आज आप देख रहे होंगे कि क्षेत्रों में बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं जिनको जातीय संघर्ष का नाम दे रखा है, जबकि अगर सच्चाई बाद में निकाली जाए ना तो जातीय संघर्ष नहीं निकलता, किसी का कोई अंदरूनी बहन बेटी का कोई केस निकलता है, किसी का जमीन जायदाद का केस निकलता है, किसी का व्यक्तिगत रंजिश निकलती है, लेकिन सब चीज को जातीय रूप दिया जा रहा है कि हमको हम छोटे वर्ग से हमको सताया जा रहा है इस तरह का। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस देश में नफरत की सोच अब खत्म होनी चाहिए, और जो भी नफरत की राजनीति कर रहा है, नफरत की राजनीति के दम पे आगे बढ़ना चाहता है, सबसे पहले उसको रोकना है, और उन लोगों के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं आगे खड़ी हूँ उन लोगों के लिए, एक ऐसी दीवार बन के खड़ी हूँ, और मैं समझा रही हूँ उस देश के युवाओं को, मैं समझा रही हूँ बेशक कहते हैं ना अच्छाई इतनी तेजी से नहीं चलती, सच्चाई इतनी तेजी से नहीं चलती जितनी तेजी से झूठ पर कहते ना झूठ और पटकों पर घमंड चलता है, लेकिन एक दिन ये सच्चाई बहुत अपना इतनी गति पकड़ेगी कि हर बच्चे की सोच में जबान पे ये बात होगी कि हाँ भाई वास्तव में हमारे देश में है ना नफरत का अंत होना चाहिए, और हमें सब जातियों को आपस में मिलकर रहना चाहिए, और देश की एकता की राष्ट्रीयता की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात कर रहे थे कर्तव्य राष्ट्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरणा सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री भी रह चुकी है, और उन्होंने अपने व्यूज यहाँ पर धरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम शर्मा, मुंबई।